दीवार एक बहुत सुंदर पद मेरे को याद आ रहा है, विवाद की चर्चा में चले उससे पहले समझिए। पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेती तूने कछुना बिजाई है, दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया, पटियाले की होड़ ते जगाधरी ना पाई, पटियाले की होड़ ते जगाधरी ना पाई है, नाभा के लोग तो पुकार रहे बार बार, सच वैरो वाल चित अंबर कर लाई है, साथ के संबंधी तो सदा ही लाहौर रहे, पर चलो अब सहारनपुर के रस्ते हरिद्वार जाएंगे। आप कहेंगे महाराज आपने बहुत सारे शहरों के नाम दे दिए, ये बहुत सुंदर पद है, जरा सुनो। पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, पूरब का मतलब पहले जो हमने पिछले जन्मों में किया है वो तो आज बैठ करके खा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए कोई कमाई हमने नहीं की। गुरु ग्रंथ साहब कहता है साथ न चाले बिन भजन, विद्या सगरी छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। महाराज परमात्मा के नाम की कमाई के सिवाय कोई और कमाई काम नहीं आता। पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खा, जो पिछले जन्मों में किया था आज खा रहे हैं, लेकिन आगे आगे के लिए कुछ किया। एक किसी परिवार में नई नई शादी हुई, नई नई कोई दुल्हन आई, अभी महीना भर हुआ था शादी, उनके घर एक कोई महात्मा भिक्षा मांगने आ गए, घर में कोई महात्मा बोलो भिक्षा मांगने, महाराज महात्मा घर में आ जाए समझ लेना कि कृपा बरसने वाली, समझ लेना कि कृपा, क्योंकि जब महात्मा मिल जाते हैं तो परमात्मा के मिलने का मार्ग खुल जाता है, महात्मा के मिलने से परमात्मा मिलता है, बिना महात्मा के मिले परमात्मा मिल नहीं सकता। हर की बात है संत बेटे हो नानक मन प्रकाश, महाराज बिना संत के परमात्मा नहीं मिलता। आप लोग जानते हैं, कभी आपने सुंदर कांड पढ़ा होगा, हनुमान जी महाराज सीता की खोज करने लंका में घूम रहे और मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां का अगणित योद्धा, पूरी लंका में खोजबीन कर ली, कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, रात बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त पंजाबी में जिसको कहते अमृत वेला, क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अमृत वेला हो गई, लेकिन कहीं सीता जी का पता। अच्छा, जीवन में अमृत वेला का ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा गजब का महत्व होता है, इसलिए वाणी कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में उठ करके भगवान का भजन करते। जब हम छोटे थे ना, छोटे थे, क्योंकि मेरा 13 साल की उम्र में संन्यास हो गया था, गुरु जी रोज कहते थे कि जमुनापुरी सुबह जल्दी उठ के भजन किया था, क्या कहते थे, सुबह जल्दी उठ के, मैंने कहा गुरु जी भजन ही तो करना है, जल्दी उठने की क्या जरूरत है, दिन में सारा दिन तो खाली रहते, दिन में भजन कर लेते, बोले नहीं ब्रह्म मुहूर्त में भजन किया था, मैं नींद में था नहीं उठ पाता। एक दिन गुरु जी ने धमकी दिया, बोले कल अगर 4 बजे उठ करके भजन करे नहीं बैठा तो तेरी पिटाई की जाएगी। अब डरते क्या ना करते, डर के आगे तो भूत भी ना चलता। अब उठे 3:30 बजे ना धोके गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया, बोलो गुरु जी क्या करना है, गुरु जी बोले अरे पूरा भजन कर और क्या करना, 4 बज गए भगवान का भजन कर। मैंने कहा गुरु जी आप बुढ़ापे में सब किया, भजन करना है सारा दिन खाली है, 4 बजे का क्या मामला। गुरु जी ने बड़े गजब की बात कही, आज तक मैंने डांट बांध करके रखी है। गुरु जी ने कहा जमुनापुरी जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा, जिसने अमृत वेला नहीं देखी वो अमृत को क्या प्राप्त करेगा।